ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेबसाइट बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स। इंफॉर्मेशन इज शोन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द वेबसाइट। सम वेबसाइट आर इंफॉर्मेटिव एंड सम वेबसाइट्स आर फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है, देखिए जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, हो सकता है कि वो कुछ इंफॉर्मेटिव हो सकता है कुछ एंटरटेनमेंट पर्पस से हो। ठीक है, तो दोनों ही पर्पस से यहाँ पे हम लोग इस वेबसाइट में कंटेंट देख सकते हैं, ठीक है, और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला कैटेगरी होता है पर्सनल वेबसाइट्स। ठीक है, पर्सनल वेबसाइट्स में क्या होगा, ठीक है, जनरली ये एक ऐसी वेबसाइट होती है जो सबसे कम यूज होती है। ठीक है, पर्सनल वेबसाइट मतलब किसी पर्सन का एक पर्सनल वेबसाइट होगा, ठीक है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्सनल वेबसाइट होगा, ठीक है, जिसमें कुछ एक फैमिली से रिलेटेड, ठीक है, या फिर कुछ पर्सनल डेटा होंगे उसके, ठीक है, या फिर किसी एक फैमिली का भी एक वेबसाइट बनाया जाता है कभी कभी। ठीक है, जैसे कोई बहुत बड़ी फैमिली जैसे अंबानीज है, ठीक है, तो उनकी उनके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, तो वैसे लोग क्या करते हैं, एक पर्सनल वेबसाइट बना कर रखते हैं कि जैसे अंबानीज है, उन लोग ने एक अपने फैमिली से रिलेटेड कुछ जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो भी चीजें शेयर करते हैं। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, एक पर्सनल वेबसाइट बना लेते हैं। पर्सनल वेबसाइट जो होता है सबसे कम यूज होने वाला होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ वेबसाइट इज जनरली स्मॉल एंड लेस यूज्ड। इट इज टाइप ऑफ वेबसाइट समवन पुट्स हिज एंड फैमिलीज इंफॉर्मेशन, फोटोज, इवेंट्स एंड द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग दिस टाइप ऑफ साइट इज वेरी लॉस। ठीक है, उसमें हम लोग क्या क्या शेयर कर सकते हैं, उसमें फैमिली इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, फोटोज हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर जितने भी नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे जो विजिट कर रहे हैं उनके वेबसाइट पे वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, जो उनके बारे में जानना चाहता है, ठीक है, या फिर कहीं उनको लिंक मिलता है तभी वो वहाँ पे विजिट करके देखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की वेबसाइट्स को हम लोग बोलते हैं पर्सनल वेबसाइट्स। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे आता है फोटो शेयरिंग वेबसाइट्स। ठीक है, फोटो शेयरिंग वेबसाइट्स में क्या होगा कि कोई एक ऐसी वेबसाइट्स होती है जिसमें हम लोग फोटो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, फ्लिकर हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे फोटो शेयरिंग वेबसाइट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ वेबसाइट यूजर कैन अपलोड देयर फोटोज ऑन साइट, शेयर देम, स्टोर देम एंड यू कैन सी डिजायर्ड फोटो ऑन द वेबसाइट। ठीक है, गिव योर ओपिनियन ऑन एनी फोटो। ठीक है, तो फोटो शेयरिंग वेबसाइट जनरली जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, स्नैपचैट है, बहुत सारे इस टाइप के एप्स और वेबसाइट्स भी है जिसके थ्रू हम लोग फोटोज को शेयर कर सकते हैं या वीडियोस को हम लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं, ठीक है, कुछ अच्छी फोटोज है तो कुछ अपना ओपिनियन देंगे। ठीक है, तो या फिर जैसे कुछ कैलेंडर्स पब्लिश हो रहे हैं, या फिर जैसे फोटो शूट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, या फिर वॉलपेपर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीजें क्या होती है शेयर की जाती है। ठीक है, जैसे गूगल फोटोज हो गया, गूगल इमेजेस हो गया। ठीक है, तो गूगल इमेजेस में क्या है, हम लोग अगर कोई भी चीज का सर्च करेंगे तो हम लोग वहां पे फोटोज मिल जाते हैं। तो कई लोग गूगल में अपना जो फोटोज है उसको शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल, ठीक है, गूगल इमेजेस यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इमेजेस में जाता हूँ और यहाँ आ गया गूगल इमेजेस और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ भिलाई। ठीक है, और मैं यहाँ से सर्च कर दिया, तो गूगल इमेजेस में हम लोग देख सकते हैं कि भिलाई सिटी के बारे में इतनी सारी फोटोज लोगों ने शेयर किया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शेयर किया, भिलाई ऑनलाइन डॉट इन, ठीक है, भास्कर डॉट कॉम, ट्रिप एडवाइजर, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो जो भी पर्सन है, ठीक है, वो लोग अपने अपने वहाँ पे फोटोज को शेयर करते हैं। फोटोज को शेयर करेंगे और जिसको भी चाहे वो एक्सेस कर दे। तो ये एक गूगल इमेजेस जो है वो अपने लेवल पे एक फोटो शेयरिंग वेबसाइट है। ठीक है, और इस
इसके थ्रू हम लोग बहुत सारी इमेजेस फ्री में हम लोग को मिल जाती है, बहुत सारी इमेजेस हम लोग शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप करता हूँ तो भी हो सकता है कि मेरी फोटो यहाँ पे दिखे। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे मेरी फोटो यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ये भी एक मेरी फोटो दिख रही है, ये मेरा जो वीडियो लेक्चर्स है उसके भी कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोग को मिल जाती है। ठीक है, तो इस टाइप की वेबसाइट्स को हम लोग बोलते हैं फोटो शेयरिंग वेबसाइट्स। ठीक है, थर्ड आता है कम्युनिटी बिल्डिंग वेबसाइट्स। ठीक है, यहाँ पे देखो, दिस टाइप ऑफ वेबसाइट इज क्रिएटेड टू कनेक्ट पीपल विथ लाइक माइंडेड पीपल। इन दिस टाइप ऑफ साइट पीपल एसोसिएटेड विथ इट देयर व्यूज, फेसबुक कम्स विथ दिस टाइप ऑफ वेबसाइट। ठीक, अब देखिए, कम्युनिटी बिल्डिंग वेबसाइट्स मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे लोग अपने अपने व्यूज को शेयर करते हैं। कि व्यूज को शेयर करना मीन्स मान के चलिए जैसे फेसबुक है, फेसबुक क्या करता है, बहुत सारे लोग को कनेक्ट करके रखता है आपस में। तो बहुत सारे लोग को आपस में कनेक्ट करके रखेगा और हर पर्सन को वहां पे जिसका भी उसमें अकाउंट है, हर पर्सन को अलाउ करता है कि वो पब्लिकली कोई भी व्यूज को या फिर पोस्ट को शेयर कर सकता है। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई भी एक पर्सन उसके फ्रेंड लिस्ट में मान के चलिए 500 लोग कनेक्ट है, तो वो अगर एक पोस्ट करता है तो 500 लोग को वो दिखेगा। ठीक है, अब जिसको देखना चाहेगा वो देखेगा। ठीक है, अब 500 में से मतलब वो एक कम्युनिटी हो गई, उन लोग की एक ग्रुप हो गया। ठीक है, 500 लोग को वो शेयर कर सकता है, या फिर जैसे बहुत सारे ग्रुप्स बने रहते हैं उसमें। ठीक है, ग्रुप में कोई भी एक ओपन पोस्ट डाल दिए। ठीक है, उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होंगे, उस मेंबर्स क्या करेंगे, वो वहां पे उस पोस्ट को देखेंगे। हो सकता है उसमें बहुत सारे ऐसे माइंडेड पीपल हो जिसमें अपना अपना ओपिनियन देंगे, अपने अपने व्यूज शेयर करेंगे फिर वहां पे। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स और होती है, जैसे स्टैक ओवरफ्लो है। ठीक, स्टैक ओवरफ्लो क्या करता है कि ऐसा कम्युनिटी वेबसाइट है जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लिखो या फिर कोई भी प्रॉब्लम लिखो किसी से भी रिलेटेड, ठीक है, तो वो वहां पे उसका सॉल्यूशन दे देता है। वैसे एक कोरा है, ठीक है, कोरा करके एक वेबसाइट है जिसमें वो क्या करते हैं, ऐसी कम्युनिटी वेबसाइट बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, कोरा.com। ठीक है, ये सारे वेबसाइट जो है कम्युनिटी वेबसाइट जिसमें हम लोग कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, उसके हम लोग को सॉल्यूशंस, वहां पे बहुत सारे माइंडेड पीपल ऑलरेडी वहां पे कनेक्टेड होते हैं, वो उसका सॉल्यूशन बताते रहते हैं। या फिर कोई भी पर्सन जो है अपना अकाउंट बना के वहां पे कुछ भी चीज शेयर करके बहुत सारे लोग वहां पे कमेंट करते हैं, मतलब एक प्रकार का क्वेश्चन आंसर टाइप का, या फिर कोई एक लाइक फेसबुक में जैसे कमेंट्स वगैरह करते हैं वैसे टाइप का रहता है, लेकिन वहां पे हम लोग को कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के वेबसाइट्स जो होते हैं वो सारे कम्युनिटी बिल्डिंग वेबसाइट्स होते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ आता है मोबाइल डिवाइस वेबसाइट। ठीक है, सम वेबसाइट्स आर मेड फॉर पोर्टेबल मोबाइल डिवाइसेस सच एज आईपैड, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। दीज टाइप्स ऑफ साइट्स ओपन इजिली ऑन पोर्टेबल डिवाइसेस एंड वर्क कैन बी डन थ्रू दीज डिवाइसेस। ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी मोबाइल डिवाइसेस के लिए बनाए गए वेबसाइट्स होते हैं, बहुत सारे मोबाइल डिवाइसेस के लिए बनाए गए वेबसाइट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं गूगल मीट। ठीक है, या फिर हम लोग फोन पे। ठीक है, या फिर गूगल जो हमारा है, या फिर जीमेल हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो वेबसाइट्स है इसको हम लोग किसी भी मोबाइल डिवाइसेस पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स वो पोर्टेबल होता है उस मोबाइल डिवाइसेस के लिए। ठीक है, जैसे जीमेल हम लोग खोलते हैं तो वो अगर हम लोग कंप्यूटर में खोलेंगे तो अलग दिखेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जीमेल ऐप होता है, ठीक है, जीमेल ऐप में जैसा दिखता है, अगर हम लोग वेब ब्राउजर में सेम उस जीमेल को खोलेंगे, अगर मोबाइल फोन में हम लोग खोलते हैं, मोबाइल फोन हम क्रोम में गए हम लोग और जीमेल वहां पे ओपन कर लिए,
तो सेम वैसे ही दिखेगा जैसे ऐप में दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, पोर्टेबल वेबसाइट्स होते हैं जो मोबाइल डिवाइसेस में भी इजीली एक्सेसिबल होते हैं और इजीली वहां पे ओपन हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जैसे कि बहुत सारे आजकल जियो टीवी आ गए, ठीक है, और अपने टाटा स्काई का भी होता है, वीडियोकॉन D2H का होता है, एयरटेल का होता है, ठीक है। तो ये सारे जो ऑनलाइन लाइव टीवी जो हम लोग को दिखाते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, मोबाइल डिवाइसेस कंपेटिबल में आता है, ठीक है। जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, ठीक है, Z5 है, तो ये सारे वेबसाइट्स भी जो है वो मोबाइल कंपेटिबल में उसको बनाया जाता है, मोबाइल के पोर्टेबल, जो मोबाइल पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सारे चीजें बनाई गई है। तो इस टाइप की वेबसाइट को हम लोग बोलते हैं मोबाइल डिवाइस वेबसाइट, जो हम लोग अपने मोबाइल फोन में, आईपैड में, ठीक है, या फिर जो टैबलेट में ओपन हो जाते हैं इजिली, उस टाइप के वेबसाइट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्लॉग्स। ठीक है, ब्लॉग्स जनरली कोई एक ऐसा वेबसाइट होता है जिसको कोई एक सिंगल पर्सन हैंडल करता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, इन दिस टाइप ऑफ वेबसाइट एनी पर्सन कैन पुट हिज इंफॉर्मेशन, थॉट्स, ओपिनियंस, या इट इज सिमिलर टू ए पर्सनल डायरी, ठीक है, इन विच इंडिविजुअल्स गिव देयर ओपिनियन ऑन वेरियस इवेंट्स एज नीडेड, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए मैं अपना एक पर्सनल वेबसाइट बना लिया और उसमें कुछ डेली एक पोस्ट करता हूँ, जैसे किसी की हैबिट होती है कि डेली वो डायरी में कुछ ना कुछ दिन भर में क्या हुआ या क्या नया सोचे, ठीक है, या फिर कुछ नया आइडियाज आते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे लोग से मिले जो उनसे मिल के बहुत खुशी हुआ, या फिर कोई नए नए लोग से मिले, कोई बड़ी हस्ती से मिले, तो ये सारी चीजें डायरी में नोट करते हैं, ठीक है। या फिर कुछ उस दिन बहुत अच्छी इमेजेस उसने लिया, या फिर कोई वीडियोस उसने लिया, ठीक है, तो वो सारे चीजें वो चाहता है कि वो सारी चीजें पब्लिकली शेयर करें, ठीक है। तो इस प्रकार से आजकल तो बहुत सारे वेबसाइट हो गए जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने पर्सनल ब्लॉग्स में ही उसको शेयर करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना के रखते हैं, ठीक है, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना के रखते हैं जिसके अंदर वो अपने डेली एक पोस्ट डालेंगे, डेली एक फोटोज डालेंगे, ठीक है, डेली उसमें कुछ लिखेंगे, ठीक है, डेली कुछ नया आइडियाज देंगे, डेली कुछ नया थॉट्स वहां पे डालेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जो एक वेबसाइट होते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे ब्लॉग्स बोले जाते हैं, ठीक है। ब्लॉग्स जो है जनरली बहुत पुराना है, गूगल का प्रोडक्ट था ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग स्पॉट करके एक था, ठीक है, वो आज भी चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये सारे सोशल मीडिया आने के बाद वो सारे दब के रह गए, ठीक है। लेकिन पहले ब्लॉग स्पॉट जो था वो बहुत पॉपुलर हुआ करता था, ठीक है। तो यही सारी चीजें अब क्या हो गई, उसको सोशल मीडिया नाम दे दिया गया, ठीक है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और बहुत सारे आ गए आज के डेट में। तो ये सारे जो है वो ब्लॉग्स का ही काम करते हैं जिसमें हम लोग डेली शेयर कर सकते हैं। जैसे कि एक फेसबुक में किसी का भी एक पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है, वो अपने पर्सनल अकाउंट पे ही सारा चीज करता है, लेकिन उस पर्सनल अकाउंट पे बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ब्लॉग्स में भी सेम वही चीज होता है, यहाँ पे एज ए फ्रेंड ऐड नहीं होते, लेकिन वहाँ रैंडम लोग उसके ब्लॉग पे जाके उसको रीड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। वहाँ पे पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि जो उसके फ्रेंड लिस्ट में होगा तो वैसे ही उन्हीं लोग सिर्फ और सिर्फ उसमें कमेंट कर पाएंगे, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता, रैंडम लोग जाके भी उसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती है, ठीक है। सिक्स आता है इंफॉर्मेशनल वेबसाइट, ठीक है। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट में क्या होगा, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, जैसे विकिपीडिया, ठीक है, wikipedia.com में चले जाओ, वहां पे जो टॉपिक लिखोगे उसके बारे में यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ विकिपीडिया, ठीक है, ये विकिपीडिया का वेबसाइट मैंने खोल लिया, विकिपीडिया आ गया, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ भिलाई, ठीक है। अब जैसे ही मैंने भिलाई यहाँ पे सर्च किया तो हम लोग को यहाँ दो तीन ऑप्शन मिल गए, ठीक है।
भिलाई के बारे में यहाँ पे सारी चीज बताया जाएगा। मतलब भिलाई अगर किसी को नहीं पता है तो सर्च कर लेगा गूगल में या फिर विकिपीडिया में, उसको भिलाई के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। उसका ज्योग्राफी क्या है, उसका क्लाइमेट क्या है, इकोनॉमी क्या है, एजुकेशन क्या है, ठीक है, नोटेबल पीपल कौन कौन से यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट क्या है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। और इतने सारे यहाँ पर रेफरेंसेस या फिर जो बुक लिखी गई है, पेपर्स लिखे गए हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पे हम लोग को मिल जाती है। तो इस टाइप की जो वेबसाइट है वो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होती है या फिर इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे विकी शेयर होता है, बहुत सारे इस टाइप के वेबसाइट्स और भी होते हैं, लेकिन आजकल जो सोशल मीडियाज भी होते हैं उसमें भी बहुत सारे हम लोग को इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। न्यूज पोर्टल्स होते हैं, वहां पे भी हम लोग को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीजें जो है वो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स होती है, ठीक है। जनरली जो यूट्यूब है, गूगल है, ये भी एक प्रकार का इंफॉर्मेशन वेबसाइट से होती है, जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल जाती है, ठीक है। बस हम लोग को उस पर क्लिक करना होता है और बहुत सारी वेबसाइट्स के थ्रू वो हम लोग को इंफॉर्मेशन देता रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेवेंथ, ऑनलाइन बिजनेस ब्राउचर और कैटलॉग, ठीक है। बिजनेस एजेंसीज यूज द वेबसाइट, द प्रोडक्ट दैट द कंपनी ट्रेड्स आर शोन इन एन अट्रैक्टिव वे, सम वेबसाइट्स फीचर सिमिलर प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस या फिर कोई कैटलॉग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो चीज होती है, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस ब्राउजर और ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस ब्राउजर, मान के चलो मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, थॉमसन, यहाँ पे देखते, ठीक है। यहाँ पे मैं एक थॉमसन इंडिया का एक वेबसाइट खोल रहा हूँ, ठीक है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ये फ्लिपकार्ट डेज में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट में अपने प्रोडक्ट को वो लिस्ट करके रखा है। मतलब एक ऑनलाइन ब्राउचर वो बना के रखा है, ठीक है, ब्राउचर को बना के रखा है और यहाँ पे सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। अगर मुझे कोई भी इसका प्रोडक्ट खरीदना है तो मुझे इसके दिए गए लिंक पे जाना पड़ेगा और उस लिंक पे मैं जाऊंगा, ठीक है, तो वो किसी ऑनलाइन बिजनेस के वेबसाइट पे वो रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑनलाइन बिजनेस ब्राउचर है वो ये थॉमसन का वेबसाइट हो गया, ठीक है। और जो यहाँ पे हम लोग जो 8 पॉइंट पे देख रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ठीक है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे वो क्या किया, रिडायरेक्ट कर दिया। मतलब जो यहाँ पे हम लोग जो फ्लिपकार्ट यहाँ पे ओपन करके रखे हैं, ठीक है, ये फ्लिपकार्ट जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अमेजोन है, स्नैपडील है, शॉपक्लूज है, ठीक है, मिंत्रा है, ठीक है, आजियो डॉट कॉम है, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स आजकल मिल जाएगी जहाँ से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये सारे वेबसाइट्स जो होते हैं वो क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, ठीक है। तो ई कॉमर्स के बारे में हम लोग और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ई कॉमर्स में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को वहां पे सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट वहां से कमा सकते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वेबसाइट्स कैन बी यूज टू डू वेरियस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन थ्रू द इंटरनेट। हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें वहां से हम लोग कर सकते हैं। तो एक प्रकार की ट्रेडिंग वेबसाइट्स होती है जो ऑनलाइन ट्रेड करती है, ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन परचेजिंग, ये सारी चीजें करती रहती है, ठीक है, ओवर द इंटरनेट। बिना इंटरनेट के नहीं कर पाएगी, इंटरनेट की जरूरी है, ठीक है। जैसे बहुत सारे आजकल हम लोग एप्स यूज करते हैं, फोन पे, गूगल पे, ठीक है, अमेजोन पे, ठीक है, इस टाइप की वेबसाइट जो हम लोग यहाँ यूज करते हैं वो भी सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं। हम लोग क्या बेचते हैं, सर्विसेज बेचते हैं, ठीक है, रिचार्ज की सर्विस बेचेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने की सर्विस देते हैं, फंड ट्रांसफर करने की सर्विस देते हैं, ठीक है, इस टाइप की सर्विस बेस्ड ई कॉमर्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने टाइप के कैटेगरीज होते हैं वेबसाइट्स के, ठीक है, जैसे पर्सनल वेबसाइट्स, फोटो शेयरिंग वेबसाइट्स, कम्युनिटी बिल्डिंग वेबसाइट्स,
मोबाइल डिवाइसेस वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स, ऑनलाइन बिजनेस ब्रोशर कैटलॉग और ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ठीक है, इतने टाइप की वेबसाइट्स हम लोग जनरल जब भी हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे यूज़ करते हैं।